booktube channel. So 31st अक्टूबर को हेलोइन सेलिब्रेशन होता है. एक्चुअली हेलोइन एक वेस्टर्न फेस्टिवल है और ये इंडिया में बहुत ही कम जगह में सेलिब्रेशन होता है. तो हेलोइन एक हॉरर फेस्टिवल है. अगर आप एक हॉरर बुक्स पढ़ना चाहते हो तो हेलोइन इज़ द परफेक्ट टाइम टू रीड दिस बुक. तो आज की वीडियो में मैं एक हॉरर नॉवल की रिव्यू देने जा रही हूँ. ये एक हॉरर हिंदी नॉवल है. तो किताब का नाम है उफ कोलकाता बाय सत्यव्यास. सत्यव्यास की ये पांचवी किताब है और मैंने सत्यव्यास की सिर्फ और सिर्फ 84 किताब पढ़ी थी और उसके बाद मैं ये किताब पढ़ी. इस किताब की पब्लिशर से हिंदी युग्म और इस किताब की पेजेस से 207. सबसे पहले बात करेंगे इस किताब की मुख्य कैरेक्टर के बारे में. जो तीन चार कैरेक्टर है मुख्य किरदार, जिसका नाम है सिद्धार्थ और मोहिनी और रुद्र और चेतन. सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र जो तीनों फ्रेंड्स है, वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. तो सिद्धार्थ मोहिनी से एक ट्रेन में मिलता है. तो मोहिनी से मिलते ही सिद्धार्थ मोहिनी के प्यार में पड़ जाता है और कहानी जब आगे चलता है तो पता चलता है कि मोहिनी एक आत्मा है. एक्चुअली मोहिनी आत्मा है या कोई और आत्मा है, क्या है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो इसकी कहानी कॉमेडी प्लस हॉरर है. अगर आप इस किताब पढ़ते हो तो अगर आपको डर भी नहीं लगता है तो आप हंसोगे जरूर. लेखक ने पाठकों को डराने की बहुत कोशिश की है. किताब पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगी इस किताब पर. अब मैं बात करूंगी कि इस किताब को पढ़ते वक्त मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. तो मुझे इस किताब को पढ़ने में 3 दिन लग गया. अगर आप इस किताब को कंटिन्यूसली पढ़ते हो, अगर आप एक स्पीड हिंदी रीडर हो, तो आपको इस किताब दो दिन में ही आप पढ़ लोगे. पर मैं इस किताब को कंटिन्यूसली पढ़ रही थी, पर मैं इतनी स्पीड रीडर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे किताब पढ़ने में 3 दिन लग गया. तो और एक बात, मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो थ्री मूवी है उसकी, जो राजकुमार और श्रद्धा कपूर, उनकी चेहरा ही मेरी इमेजिनेशन में आ रही थी. अगर आप इस हेलोइन में एक हॉरर हिंदी नॉवल पढ़ना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप सत्यव्यास की किताब पढ़ना पसंद करते हो तो आपको ये किताब बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा. तो आपको इस कहानी में तीनों फ्रेंड्स, जो कि चेतन और रुद्र और सिद्धार्थ थे, वो तीनों फ्रेंड्स की बॉन्डिंग भी देखने मिलेगी. उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है. कोई भी हॉरर नॉवल नहीं पढ़ी थी मैंने, सिर्फ और सिर्फ हॉरर स्टोरी पढ़ी थी, पर मुझे ये किताब अच्छा लगा. तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.